यहाँ पर मेरे पास है बोया माइक, मैंने इसे फ्लिपकार्ट की ओर से परचेस किया है। ये बिल्कुल 750 रुपये में हमारे घर तक आसानी से ही आ जाता है। और साथ ही मैं बात करूँगा कि इसके अंदर क्या है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमको यहाँ पर सावधानी इसके लिए रखनी है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे लिए मिल जाता है वारंटी कार्ड। देखिए हम इसके लिए वारंटी भी आती है, यदि हम इसके लिए कुछ भी यहाँ पर हो जाता है तो हम इसकी वारंटी होती है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे लिए वारंटी कार्ड को यहाँ पर ठीक तरह से रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम जो भी ऑर्डर करते हैं तो हमारा एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है, जितने पैसे का हम यहाँ पर ख़रीदते हैं ये इस तरह से यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद हमारे लिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, कागजात मिल जाते हैं, हम इन्हें रीड करके, छोटी सी बुक्स है यहाँ पर, इसे रीड करके हम ये जान सकते हैं कि इसे किस तरह से सही तरीके से यूज करना है। इसे आप देख सकते हैं, चलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर कुछ केमिकल हैं कि आप हर चीज़ में आपको मिलते हैं, तो चलिए इन्हें साइड में रखते हैं। इसके बाद हम इसे जल्दी से यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। चलिए इसके अंदर क्या क्या है और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोया की ब्रांडिंग हमारे लिए मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्लिप हमारे लिए मिल जाती है। क्लिप का सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज आपको बता देता हूँ। क्लिप को आपको इस तरह से यहाँ पर प्रेस कर लेना है ताकि यहाँ पर इसे हम सेट में लगा सकें, तो यहाँ पर आपको इस तरह से प्रेस कर लेना है। चलिए मैं इसे प्रेस नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे लिए यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर ये पिन मिल जाती है, तो हमें इसका कोई भी यूज नहीं करना है क्योंकि हमें स्मार्टफोन के साथ इसका कोई भी यूज नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है, तो हमें नहीं करना है। यहाँ पर हमारे लिए एक बैटरी मिल जाती है, सेल मिल जाता है छोटा सा, इसका यूज़ हम कैमरा के साथ करेंगे। यदि हम कैमरा नहीं चलाते हैं, मोबाइल के साथ यूज़ करना चाहते हैं स्मार्ट को, तो यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए दो स्विच मिल जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैमरा ऑफ स्मार्टफोन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर यदि आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर रखना है, कैमरा के साथ यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर रखना है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको खोल के अंदर दिखाता हूँ क्या है इसकी। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से इसे खोलना है, इसे बार बार नहीं खोलना है, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सेल को इस तरह से प्रेस कर देना है, और यदि आप यह इसे स्मार्टफोन के साथ यूज़ करेंगे तो आपको सेल यहाँ पर डालने की, बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक रुई मिल जाएगी आपको। इस रुई का काम क्या है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे आप कहीं पर बाइक पर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, तो आप इसे इस तरह से प्रेस यहाँ पर कर सकते हैं, तो जो हवा की जो वॉइस है यहाँ पर आपको सुनाई नहीं देगी, यानी कि जो वॉइस है हवा की वह इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है, तो आप इसे सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ हमारी यहाँ पर सुनाई देती है। हवा की जो वॉइस है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब बात करते हैं केबल की, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि मेरा यहाँ पर देखिए किसी भी कैटेगरी का, जैसे आपके यहाँ पर चैनल है, जैसे कि मेरा टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पर चैनल है, तो मैं इसका जो वायर है, जो इसकी केबल है, यहाँ पर 20 फीट लंबी हमारे लिए मिल जाती है। तो यदि आपका कॉमेडी चैनल है, यदि पर ब्लॉग चैनल कोई भी चैनल है, तो इसे आप खरीद सकते हैं। इससे लंबा वायर हमारे लिए कहीं नहीं मिलता है किसी भी माइक में, तो देखिए इसे आप परचेस आसानी से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक थैली मिल जाती है जिसमें हमारा जो माइक है यहाँ पर रखा है के आता है। यहाँ पर बिल्कुल बूढ़े आदमियों की तरह यहाँ पर थैली मिलती है, जैसे पहले बूढ़े आदमी तम्बाकू यूज़ किया करते थे जो खाते थे, तो यहाँ इसमें रखा करते थे, इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है हमारा बोया माइक। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें बिल्कुल कोयल की तरह प्यारी सी आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो इसकी वॉइस है। यदि आप अभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ को, तो जो आप अभी मेरी वॉइस सुन रहे हैं इसी माइक की है। तो यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से परचेस करें, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 750 रुपये का ये मिल जाता है, या फिर 800 रुपये का ये हमारे लिए मिल जाता है, तो हमें बिल्कुल भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हम इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और यदि आप, मेरा कहना है आपसे यही रहेगा, यदि आप YouTube वीडियो बनाते हैं तो आपको इस माइक को ज़रूर ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि जितनी क्लियर इसमें आवाज़ आती है, वॉइस आती है, उतनी अच्छी आवाज़ हमें किसी भी माइक में नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस माइक को ज़रूर ही ख़रीदें। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।